गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसके 20 वीडियो आ चुके हैं अब तक और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इस आधार पर आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो आप पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए जानते हैं कि परमाणु संरचना में क्या होता है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था डाल्टन का सिद्धांत, ठीक है ना। क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में? आपने पढ़ा था डाल्टन का सिद्धांत, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु अविभाज्य है ना। जिसमें कमियां पाई गई थी कि परमाणु को ऐसा नहीं है कि अविभाज्य हो, परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है ना। तो उसी आधार पर हम चलते हैं कि परमाणु संरचना क्या होती है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेडिंग पड़ी हुई है आपकी परमाणु संरचना। क्या पड़ी है? परमाणु संरचना। इसके बारे में जानते हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि परमाणु सामान्यता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना, ठीक है ना। यानी क्या बताया गया? देखिए, संरचना का मतलब क्या होता है कि संरचना का मतलब होता है कि कोई पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है और वो कैसे कैसे बना है। इस चीज इन सब चीजों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है परमाणु संरचना। आई बात सुन। तो परमाणु कैसे बना हुआ है, क्या कितने भागों से मिलकर बना है? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा लिखते हैं नोट नंबर वन। नोट नंबर वन, इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु की स्थाई मूल कण है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? वो परमाणु के स्थाई मूल कण होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के स्थाई मूल कण होते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं नोट नंबर दो। नोट नंबर दो, पॉजिट्रॉन मेसान न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पाई मेसान आदि परमाणु की अस्थाई मूल कण, आदि परमाणु के यानी पॉजिट्रॉन मेसॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पाई मेसॉन आदि परमाणु के जो है अस्थाई मूल कण होते हैं, ठीक है ना। स्थाई में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अस्थाई में ये पांचों, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमने हेडिंग डाल दी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि यह परमाणु का ऋणावेशित कण है। यह परमाणु का ऋणावेशित कण, इसका नहीं, इस पर -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश होता है। यह परमाणु का ऋणावेशित कण है, इस पर -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश होता है।
तथा इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम होता है, ठीक है ना। इस पर आवेश −1.6 × 10⁻¹ कूलाम होता है तथा इसका जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम होता है, ठीक है। इसकी खोज जे थॉमसन लिखा होगा, वैज्ञानिक का नाम है, अंडरलाइन कर देंगे। थॉमसन ने 1897 में की थी। इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। आई बात सुनिए, इसे ई कॉमा ई जीरो या −1 E₀ से प्रदर्शित करते हैं। हो गया भैया, आया सर ने यह परमाणु का ऋण आवेशित कर है। इस पर −1.6 × 10⁻¹ कूलाम का आवेश होता है तथा इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम होता है। इसकी खोज जो है मिस्टर जे जे थॉमसन ने 1897 में की थी। इसे ई या ई माइनस या ई जीरो या −1 E₀ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं, एक कण हो गया, अब हम हेडिंग डालेंगे प्रोटॉन। क्या होता है प्रोटॉन, इसमें लिख सकते हैं यह परमाणु का धनावेशित कण। इस पर +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश होता है तथा द्रव्यमान 1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यह परमाणु का धनावेशित कण होता है और इस पर +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश होता है तथा द्रव्यमान 1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। इसे पी या 1H₁ से प्रदर्शित कर, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यह परमाणु का धनावेशित कण है, इस पर +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश होता है तथा द्रव्यमान 1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। इसे पी या 1H₁ से प्रदर्शित करते हैं। एक देखने वाली बात यहां पर है कि ये प्रोटॉन का आवेश है और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दोनों में समानता है, लेकिन ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, यानी दोनों विपरीत हैं लेकिन है समान। आए सुन में, दोनों विपरीत हैं लेकिन है समान, इस तरह से दोनों के आवेशों में समानता पाई जाती है। आगे चलते हैं, तो देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके, प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके, अब चलते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं कि यह परमाणु का उदासीन कण है, यह परमाणु का उदासीन कण है, अर्थात इस पर
शून्य आवेश होता है। यह परमाणु का उदासीन कण है तथा इस पर शून्य आवेश होता है तथा इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है। इसकी खोज चैडविक ने 1934 में इसकी खोज चैडविक ने 1932 में की थी। इसे एन या 0N1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये परमाणु का उदासीन कण होता है, इस पर शून्य आवेश होता है तथा इसका जो द्रव्यमान है वो 1.675 × 10⁻²⁷ किलोग्राम होता है। इसकी खोज चैडविक ने 1932 में की थी। इसे एन या 0N1 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। पूरी तीनों की डिटेल मैंने आपको पढ़ा दी, लेकिन अब मैं एक थोड़ा सा आपको शॉर्टकट का फॉर्मूला देने जा रहा हूं, जिससे कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। 8 पर नाच क्या नहीं भूलेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की किसने की और रदरफोर्ड की किसने की। तो ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और टा से उनके खोजकर्ता टॉमसन हो जाएगा। पा से प्रोटॉन है और रा से इनके खोजकर्ता है मिस्टर रदरफोर्ड, ठीक है ना। ना से न्यूट्रॉन है और इनके जो खोजकर्ता है वो है चैडविक, है ना। तो बहुत आसान सा तरीका है, याद कर लेंगे। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। इस आधार पर आपकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। और आप कभी नहीं भूलेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं अगला टॉपिक आपका क्या है। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणें। इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणें, इन्हें को कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ था कि कैथोड किरणों के बारे में कि एक सर विलियम क्रुक्स ने, किसने भैया लिखेंगे, सर विलियम क्रुक्स, सर विलियम क्रुक्स ने एक विद्युत विसर्जक, विद्युत विसर्जन सर विलियम क्रुक्स ने एक विद्युत विसर्जन नलिका पर नलिका पर बहुत कम दाब पर उच्च वोल्टता ब्रैकेट में 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की। तो कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है जिसे जो एनोड के पीछे कांच की दीवार से टकराकर प्रतिदीप्ति
उत्पन्न करता है। चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं, इसलिए इन्हें कैथोड किरणें कहा जाता है। देखिए भैया क्या हुआ कि सर विलियम क्रुक्स ने एक कांच की विद्युत विसर्जन नलिका ले ली, क्या ले लिया, कांच की विद्युत विसर्जन नलिका, और इसमें निर्वात कर दिया अर्थात यहां से वायु को हटा दिया और दाब जो है बहुत कम दाब पर उच्च वोल्टता यानी लगभग 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की। तो जैसे ही इस पर 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड गर्म होता है और कैथोड से ये अदृश्य किरण पुंज यानी जो जा रहा है ये किरणें ये अदृश्य होती हैं, ठीक है ना, इनको लिख सकते हैं अदृश्य किरण पुंज। पुंज माने क्या होता है, समूह। तो जैसे ही बहुत कम दाब पर उच्च वोल्टेज की यानी लगभग 10,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की तो कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है यानी कैथोड से जैसे अदृश्य किरण पुंज निकलता है जो एनोड के पीछे यानी यहां पर कांच की दीवार से टकराकर प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है यानी चमक उत्पन्न करता है, स्पार्किंग करता है, ठीक है ना। अब ये किरणें क्या थी, अदृश्य किरण पुंज किसका था किसका नहीं था, तो चूंकि ये कैथोड सिरे से निकलती हैं, कहां से निकलती हैं, कैथोड सिरे से निकलती हैं, इसलिए इन्हें कैथोड किरणें कहा जाता है, इसलिए इन्हें कैथोड किरणें कहा जाता है। आगे होगा सुन में। अब आइए आगे चलते हैं कि कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी फिलहाल इतना साफ कर देता हूं और आगे चलते हैं हम लोग कैथोड किरणों के गुण पर, ठीक है ना। तो अब आप हेडिंग डालेंगे कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण, ये हेडिंग होगी। इसमें नंबर एक देखेंगे क्या होता है, कैथोड किरणों के गुण, ये किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, ये किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं, मतलब अगर इनके मार्ग में कोई अवरोध आ जाएगा जैसे कि ये किरणें मान लीजिए ऐसे जा रही हैं और अगर इनके बीच में कोई लोहे की चादर या दीवार आ जाती है तो ये किरणें यहीं पर रुक जाएंगी। जैसा कि प्रकाश में होता है, आपने खिड़की से या दरवाजे के छोटे से छेद से आते हुए प्रकाश को देखा होगा, अगर आप उसमें हाथ लगा देते हो तो प्रकाश वहीं पर रुक जाता है, उसी प्रकार ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं और जैसी कोई चीज आ जाएगी तो ये रुक जाएगी, ठीक है ना। नंबर दो है आपका, ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। मतलब यह हुआ कि जैसे ये किरणें हमारी सीधी जा रही हैं, कौन सी किरणें जा रही हैं, कैथोड किरणें, ठीक है ना, ये कैथोड किरणें जा रही हैं, अगर यहां पर हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र N और S ध्रुव लगा देते हैं तो चूंकि ये किरणें कैथोड से निकली हैं और कैथोड हमेशा ऋणात्मक होता है, कैथोड हमेशा ऋणात्मक होता है और एनोड हमेशा धनात्मक, तो चूंकि ये ऋण सिरे से निकली हैं इसलिए इन पर ऋणावेश होता है और जैसे ही इसमें हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं ये किरणें धन सिरे की ओर मुड़ जाती है, धन सिरे की ओर मुड़ जाती है अर्थात अपने मार्ग से भटक जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं विक्षेपित हो जाती है। आया समझ में। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर, क्या है पॉइंट नंबर थर्ड, तो आइए देखते हैं। ये धातु की पतली पन्नी को
पार कर जाते हैं, ठीक है ना। यानी अगर इनके मार्ग में धातु की पतली पन्नी जैसे कि चांदी का बरक आता है, मिठाइयों पर लगता है, सोने का बरक आता है, स्वर्ण धातु की बहुत पतली चादर है, यानी बरक जैसी, जैसे मिठाई के ऊपर बरक लगाया जाता है ना चांदी का, तो अगर ऐसी कोई परत है तो ये किरणें उसको पार करके सीधी ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो कह रहा है ये धातु की पतली पन्नी या कह सकते हैं यहाँ पर पतली परत को पार कर जाती। नंबर चार पर चलते हैं, क्या है नंबर चार आपका, कि ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। यानी कैथोड किरणें जो है एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अब एक्स किरणें कहां पर होती हैं, तो आप जानते हैं एक्सरे मशीन होती है जिसमें जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो हमें एक्सरे करवाना पड़ता है ना, तो एक्सरे मशीन से एक्स किरणें निकलती है। नंबर पांच पर देखते हैं क्या है, कि ये गैसों को आयनित कर देती है, ये गैसों को आयनित कर देती है, अर्थात आयनों में तोड़ देती है, ठीक है ना, प्लस और माइनस आयनों में उसको विभाजित कर देती है, ये गैसों को आयनित करती है। नंबर चार छह, ये फोटोग्राफिक प्लेट को फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, यानी ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, ठीक है ना। नंबर सात है, ये ऋणावेशित होती हैं, ये ऋणावेशित होती हैं और इन पर -1.6×10⁻¹⁹ कूलम का आवेश होता है, ठीक है ना। सातवां पॉइंट है, ये किरणें ऋणावेशित होती हैं, क्यों होती हैं भैया, क्योंकि ये माइनस सिरे से निकलती हैं और इन पर -1.6×10⁻¹⁹ कूलम का आवेश होता है।